अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में और अभी बज चुके हैं 4:30। मैं जाऊँगा अभी आउटफिट सेलेक्ट करने, और साथ ही साथ मेरे हेयर इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ना, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन था तो इतने टाइम से हेयर कट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, साइड से देखो कितने अजीब हो गए हैं। अभी हेयर कट भी होगा मेरा। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो आ चुका है, मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो जब तक आ चुका होगा। ये मैं बना रहा हूँ बिहाइंड द सीन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा यहाँ पे है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मिरर वाली वीडियोस बनाऊँ, अच्छी बनेगी। देखो क्लियरिटी देखो कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि लाइट बहुत अमेजिंग है, फोटोज अच्छी आएगी। अभी मेरा बैग यूं पैक का पैक है, मैंने अभी बैग भी नहीं खोला, मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट किया। मैं कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि भाई फर्स्ट वीडियो कैसे शूट हो रही है मेरी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मुझे पता है आप सब एक्साइटेड हो गए मेरे साथ साथ, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग कनेक्टेड हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, कि वो म्यूज़िक वीडियो के पीछे की सारी स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। इतने टाइम बाद मैंने अकेले ट्रैवल किया है बाय एयर, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया। अभी बज चुके हैं 8 और मैं रूम में आया हूँ। हेयर कट अभी मेरा होना है, थोड़ी देर में हेयर कट होगा मेरे रूम में, यहाँ पे हेयर कट होने वाला है मेरा। और साथ ही साथ अभी मैंने आउटफिट्स ट्राई किए बहुत सारे, और बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट्स थे, वो आपको म्यूज़िक वीडियो में दिख, हेयर कट आपको दिख ही रहा होगा। हाँ आई नो, ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा क्योंकि कल शूट है, तो भैया ने मुझे सजेशन दिया कि हम ज़्यादा इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो फ्रेश लुक आएगी और वो अजीब लगेगा बहुत कैमरे के अंदर। सो हम थोड़ा इसको रैंडम रखेंगे, मैसी रखेंगे, ताकि अच्छी लुक आए। अभी मेरे पास कॉल आया कि मुझे सुबह 7 बजे रेडी होके यहाँ से निकलना है हम सबको, उस हिसाब से मुझे टाइम पे सोना होगा। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, आज है फर्स्ट डे शूट का, और सुबह के बज चुके हैं 7:30। मैं 6 बजे उठा था और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, 2 से 3 घंटे मैं सोया हूँगा। मेरी लेग्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अब भी है बट अब थोड़ा कम है। होप सो कि पूरा दिन आज से सही, आज मेरा जो पूरा दिन है वो सही जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी चीज़ ख़राब हो या कुछ भी हो। लेग पेन वगैरह तो बाद में देखेंगे, लेकिन आज काम करना ज़रूरी है। अभी मैं शूट की लोकेशन में पहुंचा और ये वाली वैनिटी का एरिया मेरा है जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे रेडी हूँगा। पहले मैं नर्वस था, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं अभी पहले वहाँ से होटल से निकले यहाँ आए, तो धीरे धीरे जो नर्वस था ना मैं, वो कम होता जा रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। कैसे क्या होगा, फर्स्ट शूट होने वाला है जिसके अंदर क्लासरूम का सीन है, और मेरे को अभी डलवाई है स्कूल ड्रेस, अभी भैया मेरा हेयर ड्रेस करने वाले हैं। फर्स्ट लुक रेडी हो चुकी है और इस लुक रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि छोटी 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 सब चीज़ें परफेक्ट करनी थी, तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मज़ा आ रहा है। मंगल मूर्ति। उसके बाद मैं ऐसे नोटिस करूंगी ना, मैं फिर यहाँ पे रखूंगी। हाँ ठीक है, ये पकड़ देते हो ना, जब मैं कभी की ऐसे नहीं तो हल्का सा स्माइल है। ओके, मैंने गुस्से नहीं होना, हल्का सा ये मीन ऐसे नहीं होता। फर्स्ट आउटफिट में कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे टेक लिए, बहुत मस्ती आई। मेरे को था कि जब मैं स्टार्ट होगा तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नर्वस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नॉर्मल फीलिंग है, नॉर्मल जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे लिए सब नया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे बताया ही था मैंने, लेकिन मज़ा आ रहा है अब मुझे, मज़ा आ रहा है। पहले मैं नर्वस हो रहा था थोड़ा, बट अब इस जो भी मतलब हम एक्ट कर रहे हैं जो भी, बहुत मज़ा आ रहा है। और जब जाके खुद को वहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो शूट हुआ है वो कैसा हुआ है, वो देख के तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और मज़ा भी आता है। ये है सेकंड आउटफिट जो अभी सेकंड पार्ट में यूज़ होने वाली है, और ये वैनिटी थी यहाँ मेरा जो अभी मैं बैठा था, मैंने आपको दिखाया था। अभी सेकंड पार्ट शूट होगा और ये है लोकेशन इसकी, और ये हमारी सिंगर। हमने कितने टेक ले लिए भैया अभी? इसके ऑलमोस्ट 7 राइड कर रहे हैं, और वो भैया पीछे, ये हर टेक में बोलते हैं बेस्ट आया बस एक और एक और करते करते इन्होंने हमारे को कब एक टेक से 10 टेक हो जाते पता नहीं। Thank you.
आज के दिन की अधिकतर हो चुका है, बस लास्ट के एक दो टेक रह गए। आज का शूट डन हो चुका है और रात के ऑलमोस्ट पता कितने बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं और इतना ज़्यादा थके हुए हैं। मैंने जैसे बताया था कि कल मैं सो नहीं पाया था और कल हमें 4 बजे रेडी होकर निकलना है, यानी कि 3 बजे मुझे उठना होगा सुबह सुबह, जाती बस नींद आ जाए अच्छी सी। और मैं जितना रिकॉर्ड कर पाया मैंने किया, क्योंकि और सब भी काम थे तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन कल पूरा दिन शूट है तो मैं कल की सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। अभी जाके बस मैं सोऊंगा और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे 3 बजे उठना है, बट मेरे पास कॉल आया थोड़ी देर में कि आपका कल का शूट नहीं है, कल की जगह परसों है, क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि सब थक चुके थे और 11 बजे सब वापस आ रहे हैं और 12-1 बजे तक सोते, तो 3 बजे उठ के जाना पॉसिबल था ही नहीं। बट मैंने फिर भी माइंड सेट कर लिया था कि 11 बजे सो जाऊँगा और अपना 3 बजे उठ के फिर रेडी होके निकल जाऊँगा। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे अब हम सबके ड्रीम्स होते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, हमें वो करना है, बट हम लोग सोचते हैं नहीं यार ये चीज़ हम नहीं कर सकते, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी सेम सोचता था लोगों को देख के, मैं व्लॉग्स देखता था, उनसे इंस्पायर होता था और बहुत सी चीज़ें थी, बट मैं एक टाइम पे मेरे माइंड में आता नहीं यार वो उसने कर लिया बट मैं नहीं कर सकता। बट रियलिटी ये है कि स्टार्ट जीरो से करते हैं। मैंने अधिकतर जो लोग देखे उनकी जर्नी जीरो से स्टार्ट हुई है, उन्होंने खुद किया है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं सोचता कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, तो कुछ नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उस पर ध्यान दो, फोकस रहो। अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और सुबह के 5:30 बज चुके हैं। 3 बजे मैं उठ गया था, 4 बजे तक रेडी हो गया था और हम वहाँ से निकले थे अराउंड 5:00 और 5:30 पे हम यहाँ पहुँच गए। हेयर आज बहुत अलग लग रहे होंगे क्योंकि मैंने सिर्फ हेयर वॉश करके ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा अभी भैया आएंगे यहाँ पे हेयर स्टाइलिश, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। अभी मेकअप डन हुआ है, भैया ने मेरा मेकअप किया, थैंक यू भैया। और इन्होंने मेरा अभी हेयर स्टाइल किया था भैया ने। देखो पहले मेरे हेयर कितने अजीब से लग रहे थे ना जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी देखो मुझे कैसा बना दिया। क्या हुआ किधर? ओ हाँ ये मैं सबसे पहले रेडी होता हूँ हमेशा, क्योंकि लड़कों को कुछ करना नहीं होता, थोड़ा सा मेकअप तो खैर अभी हो रहा है, मैं थोड़ा सा मेकअप और हेयर और बस इजी सा, लड़कियों को थोड़ा टाइम लग जाता है और पूरा सेट लगता है, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कल भी ऐसा हुआ था, कल नहीं, कल तो फ्री था हमारा, परसों भी ऐसे ही हुआ था। जैसे वो क्रॉस कर गए ना फिर आपका ना, फिर जैसे उन्होंने हक करा उसमें आपको ना थोड़ा सा। अभी वाइल्ड लाइन्स के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है टेक, और अभी हमने कम से कम 4 से 5 टेक लिए, लेकिन अरूप अपना कॉल जाना भूल गई थी, तो अभी वापस लेंगे टेक, तो अभी फर्स्ट पार्ट वापस हो रहा है, अनाउंस हो गया। सबसे मेन चीज़ करने जा रहा हूँ जो मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, खाना आ गया बिन बोले आ गया। हाँ अभी अरूप हमें अपने गाने की लाइन, मैंने ही मंगवाया अभी फ्रूट, इसीलिए मेरी वजह से खा रहे, लेकिन मैं पहले खा के आया था तो मेरे को ऐसी भूख नहीं थी, मैं थोड़ी देर बाद भी खा लिया था। अभी अभी इसने ऐसे बोला मुझे भूख लग रही थी, अभी मैं वो काम करने वाला हूँ, फिर कहता मुझे भूख नहीं लग रही। मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दो तरीके की भूख होती है, एक की इंस्टेंट भूख कि भाई अभी खाने खाना है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक होता है थोड़ी देर बाद भी खा लेंगे चलेगा, ऐसे वाला था। गाइस अभी वीडियो में जो मेरी दोस्त बनी थी ना, मुझे धोखा दे के चली गई थी और वो अभी वापस आ चुकी है। ये रही मेरी धोखेबाज दोस्त जो मुझे छोड़कर चली गई थी और अभी इसको ढूंढ कर जल्दी ले करो शुगर, जो भी जल्दी करो बस। बस एक लास्ट टेक और फिर दूसरे आउटफिट में हमारे जो पेंडिंग टेक्स हैं वो सब लिए जाएंगे। थक गए अभी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा अभी, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई का पूरा हाल है, एक तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उस वजह से बहुत दिक्कत। अभी वापस मेकअप हो रहा है क्योंकि दूसरे शूट के लिए हम जा रहे हैं, फर्स्ट हो चुका है। हेयर तो मैंने इस बार ना ऐसे हेयर मैंने कभी रखे नहीं पहले, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे शूट कर रहे हैं। और पता है जब शूट कर रहे होते हैं इतना पसीना आता है ना, मेरा सारा मेकअप ऐसे उतर जाता है पूछो मत। और भैया ना
रुमाल लेके खड़े रहते हैं फटाफट साफ करने के लिए, क्योंकि कैमरे में क्लियरिटी होती है बहुत ज़्यादा और उसमें साफ दिखता है अगर आपके फेस पे पसीना आ रहा है कुछ भी है इसलिए। लेकिन जो भी हो मज़ा आ रहा है और ये वाला शूट हमें आज वैसे ख़त्म तो 6 बजे तक कंप्लीट करना है सारा, लेकिन अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा क्योंकि सनलाइट के अंदर होना है सारे का सारा, अगर लेट हो गए तो दिक्कत होगी फिर। अभी मैं पूरा रेडी होकर यहाँ आ गया हूँ और जो हवाई लोकेशन है वो कुछ ऐसी है और कैम में तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है जब वो प्रॉपर सेटिंग के साथ लोकेशन को देख रहे हैं हम उधर। सारी मेहनत भैया की है ना? नहीं नहीं आपकी यार, नहीं भैया नहीं लग रही है, बहुत बड़ी एक्टिंग की है भैया आपने। अच्छा वो तो अभी वीडियो आएगी पता चलेगा कैसा कह रहा है। वैसे तो ये मेन लास्ट पार्ट ही शूट हो रहा है लेकिन इसके जो मतलब अकॉर्डिंग टू वीडियो ये लास्ट पार्ट है, बट इससे पहले एक पार्ट आएगा बास्केटबॉल वाला, वो इसके बाद शूट होगा। और अभी 3:30 बज चुके हैं, मतलब डिले तो हो ही रहा है लेकिन जल्दी हो ही जाएगा। अभी अरूप का पार्ट हो रहा है जिसके बाद मैं कॉफ़ी लेके आऊँगा और वो वाला पार्ट शूट होगा जिसमें हम बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। पूरी हमने इतनी सारी चीज़ें करी सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए, एक कॉफ़ी के लिए इस लड़की ने मुझे इतना परेशान किया। अच्छा मैंने परेशान किया? बोलो डायरेक्टर साहब से क्या किसने सभी को परेशान किया है? एक कॉफ़ी कॉफी के चक्कर में पूरा गाना शूट हो गया। तू लगी लून है भी नहीं पानी है। हां इसमें है भी पानी, अभी पानी हम आ रहे हैं फैक्ट करना से पानी है। अभी कॉफी नहीं थी, क्या भी होनी चाहिए। कॉफी कौन पीता है? कोल्ड कॉफी। अच्छा कोल्ड है के हॉट कॉफी बढ़िया है? हॉट कॉफी में मैं गर्म कॉफी पीऊं ना? गर्मी कहां है? गर्मी गर्मी रियल लाइफ में है, गर्मी रियल लाइफ में रियल लाइफ में नहीं है। मैंने जैकेट डाली है यहां पे। जैसे ये आता है तो ये मैं इसे देखूंगी तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगी। हाँ। फिर मुझे कॉफी ऑफर करेगा, मैं एक बार मना करूंगी। हाँ, सेकंड बार जो फिर सेकंड बार जब देगा फिर मुझे हंसी आ जाएगी। हाँ। और फिर मैं मान जाऊंगी। हाँ। ठीक है फिर हम एक सिप कॉफी का पी। हाँ। फिर आप क्यू दे देना। हाँ, कॉफी हाथ में रखनी है। आप क्यू दे देना। हाँ। मैं ऐसे पकड़ लूंगी, मैं ऐसे पहले हाथ करूंगा फिर खड़े होंगे तो जब ऐसे फिर हम निकलना किस साइड है करेंगे ना ऐसे आपको आपको भी करेंगे पहले मैम आप बाय करना। हाँ। फिर ये सारे बाय करेंगे, वेट करना पहले मैम आपको बाय करेंगे जो थोड़े देर पहले फ्रेंड सर्कल तैयार हुआ है ना। अभी बस लास्ट एक हो रहा है, ये वाला यहाँ वाला सब कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरा ना पसीने की वजह से सारा मेकअप उतर गया, बाल बिगड़ गया, अभी भैया ठीक कर रहे हैं फिर जाएंगे लास्ट एक की ओर। अभी एक लास्ट रह रहा है बास्केटबॉल वाला, लेकिन सारे टेक में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया और इतनी भूख लगी, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी चीजें भी एक्सप्रेशन थे। और जब हम देखते हैं ना कि अच्छा आ रहा है तो और मजा आता है कि चलो एक दो टेक और। एक्चुअली और सेट भी बहुत प्यारा था, जब आप लोग देखोगे बहुत मजा आएगा सच में, मतलब आप लोग के फेस पे स्माइल रहेगी वीडियो के स्टार्ट से एंड तक, इतनी प्यारी वीडियो बनी। किसी रीज़न की वजह से यहाँ वाले सभी टेक्स वापस लेने पड़ रहे हैं और मेरा आउटफिट भी चेंज हुआ है, अब हमें वापस से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।